अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बहुत ही मज़े में हूँ। चलिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ट्रेंडी सा एक रेसिपी लेके आई हूँ। आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप देख के समझ चुके होंगे कि मैं आज क्या लेके आई हूँ आपके लिए। हाँ जी, बराबर, आप जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं। ये है चिकन शौरमा, ये हमने घर पे बनाया है। ये घर होममेड चिकन शौरमा है। आप इसको घर में कैसे बना सकते हैं, चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। अभी हम चलते हैं अपने रेसिपी की तरफ। लेट्स स्टार्ट अवर रेसिपीज। चलिए अब अपनी रेसिपीज करते हैं स्टार्ट। इसके लिए हमें सारे पाउडर मसाला हम पहले यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, ये होममेड शॉर्मास हैं जो हम आप भी इजीली घर पे बना सकते हैं। अपने घर के जो भी मसालास हैं और जो भी हमारे घर में इंग्रेडिएंट्स रहता है, हम उसी से बना सकते हैं। तो स्ट्रीट में जाके खाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाके खा सकते हैं, पर हम हेल्दी हम अपने घर में ही बना सकते हैं। चलिए, इसकी मैरिनेशन के लिए हम सारे पाउडर्स यूज़ करते हैं। अब आपको मैं बताती हूँ इसमें क्या सब चाहिए। मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून जितना धनिया पाउडर। जैसे कि मैंने कहा आपको, सारे घर के पाउडर्स हैं जो रेगुलर मसाला हमारे कुकिंग में होता है इस्तेमाल, वही यूज़ करेंगे हम। देन 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर, मैंने 1/2 टीस्पून जितना कोरिएंडर ऐड किया है यानी धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर मैंने यूज़ किया। देन 1 टीस्पून जितना ही हमें जीरा पाउडर लेना है, क्यूमिन पाउडर। देन 1/2 टीस्पून जितना हमें रेड चिल्ली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे हमें कलर बहुत अच्छा आएगा। देन नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी। हल्दी भी हमें 1/2 टीस्पून जितना यूज़ करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम वेनिगर। अगर लेमन आपके पास है तो आप लेमन यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 1 to 2 टीस्पून जितना वेनिगर यूज़ कर रही हूँ। दैट्स ऑल। सॉल्ट हम यूज़ करेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से हम ऐड करेंगे। सॉल्ट जितना हमें टेस्ट अपने हिसाब से, एज पर टेस्ट, इसलिए मैं इसका कोई मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ। देन इसमें ऐड करेंगे हम ऑयल। आप इसमें कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सॉरी कोई भी मीन्स कोई भी नहीं, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल सनफ्लावर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जितना जिंजर गार्लिक पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। देन 2 टेबलस्पून जितना मैं कर्ड यूज करूंगी, इससे हमारी चिकन जो है बहुत अच्छे से टेंस हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनता है ये। इसको आप अच्छे से मिक्स करेंगे। पूरे जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं, इससे काफी बढ़िया इसका टेस्ट जो है ना, चिकन में मैरिनेशन में हो जाएगा। आप इसको एटलीस्ट 1 आवर टू 2 आवर रखना है इसको मैरिनेट करके। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा फ्लेवर है, आप स्मेल करके देख सकते हैं। यस, रियली इट्स स्मेलिंग वेरी गुड। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो स्पून से भी कर सकते हैं। आपको मेरे हाथ से जैसे कर रही हैं, आपको किसी को शायद हो सकता है मैसी लग रहा हो, बट नेवर माइंड, ये अपने लिए चलेगा।
इसको इस तरह से अच्छे से मैरिनेट करेंगे मिक्स करके। अब हम इसमें इस तरह का जो बोनलेस पीसेस रहता है हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपके पास कोई चिकन जो आप ही जहाँ से भी चिकन लेके आते हैं वहाँ से आप उसको बता देंगे तो वो बना के देंगे आपको। ये जो ब्रेस्ट पीस रहता है उसको आप लेके इसी तरह से मैरिनेट कर सकते हैं। शर्मा के लिए हमें ये बोनलेस पीस ही बहुत ही बढ़िया बनता है, काफ़ी अच्छा भी होता है। विद बोन का इतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि हमारा मैरिनेशन देन कटिंग पीसेस में हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए इसको अच्छे से मैरिनेट करके हम रख देंगे 2 घंटे के लिए। अदरवाइज अगर आपको जल्दी है तो एटलीस्ट हाफ एन आवर तो आपको मैरिनेट करके रखना है। इसको अच्छे से हम कवर करके इसको साइड में रख देंगे। इसको पैक कर देंगे इस तरह से, इसको कवर करके क्लीन रैप करके हम इसको साइड में रख देंगे। अच्छे से इसको कवर करके साइड में रखेंगे। इसको जैसे कि मैंने कहा 2 घंटे के लिए हमें मैरिनेट करके रखना है। इसमें ऑयल डाल रही हूँ मैं, आप देख सकते हैं मैंने ग्रिल पैन लिया है। ग्रिल पैन लेने से क्या होगा, हमारा जो चिकन है काफ़ी अच्छा उसके ऊपर लाइन्स आएगी और काफ़ी बढ़िया बनेगा। ये बिल्कुल इस तरह से लगेगा कि हम लोग रेस्टोरेंट में खा रहे हैं। चलिए वन बाय वन हम आराम से इसमें डालेंगे। चलिए इसको हम आराम से अब पलट लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं इस तरह से ये हो गया है, इसका कलर चेंज हो चुका है, यू कैन सी इट। यस वेरी गुड। अब हम पलटेंगे, देखिए आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कलर आ चुका है, इसको बहुत ही जूसी और टेंडर है ये। चलिए ये अभी पक चुका है, ये बोनलेस चिकन है क्योंकि ये जल्दी पकेगा, विद बोन थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए इसको हम कर देंगे ऑफ, नेक्स्ट हम रेडी लेंगे। हमारा चिकन बन के रेडी हो चुका है। अभी हम वेजेस ऐड करेंगे। मैंने लिया है 2 ऑनियन, इसको हम इसमें ऐड करेंगे। देन मैंने लिया है थोड़ा सा पीस कैबेज का, ये भी इसको इसी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे। देन मैंने ग्रेट किया है कैरेट, ये भी इसमें जाएगा। तीनों इंग्रेडिएंट्स में ऐड करेंगे हम। अब इसमें हम ऐड करेंगे सीजनिंग, जैसे कि सॉल्ट एंड पेपर। चलिए अब इसमें हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर 1 टीस्पून जितना। देन 1/2 टीस्पून जितना हम थोड़ा सा जीरा पाउडर ऐड करेंगे। देन सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिए। देन मैं इसमें ऐड करूंगी ये अपना कर्ड। ये कर्ड ये खट्टा नहीं रहता है, इतना क्या कि टैंगीनेस नहीं रहता है, उसमें क्रीमी कर्ड है ये। इसमें हम 3 टेबलस्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे कर्ड को। देन हम इसमें ऐड करेंगे मियो, ये भी हम तकरीबन 3 टेबल स्पून जितना हम इसमें ऐड करेंगे। दैट्स इट। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
को अच्छे से मिक्स करेंगे हम। आप इसको हाथ से भी कर सकते हैं, मैं आपको एज पर्पस आपको ऐसे दिखा रही हूँ, स्पून से कहीं आपको मैसी ना लगे। दैट्स ऑल। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आपको मेयो कम लग रहा है तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं, मुझे मेयो थोड़ा कम लग रहा है सो आई एम एडिंग दिस। दैट्स ऑल, काफी है। चलिए इसका हम इसका थोड़ा सीजनिंग टेस्ट करके देखेंगे वेदर ये नमक ठीक है या नहीं। बेटर। इसको हम कर देंगे साइड में। देन नेक्स्ट विल टेक दिस चिकन जो मैंने बॉईल करके सॉरी कुक करके रख लिया है, इसको हम इस तरह से पीसेस में करेंगे। इस तरह से इसको हम पीसेस में काट लेंगे। इस तरह से आप हाथ से भी कर सकते हैं, ये गर्म है आराम से कीजिए। इसको इस तरह से चिकन को मैंने पीसेस कर लिया है, आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा ये वेजीज भी रेडी है। अब हम इसके जो शोरमा की रोटी रहती है जो आजकल नॉर्मली इजीली अवेलेबल है, आपको हर मार्केट में मिलता है, कोई भी आप बेकरी में जाके आप ले सकते हैं, इस तरह से रहता है आप देख सकते हैं। इसको हम अब इसको गर्म करेंगे, हम सेम तवा पे यूज़ करेंगे जो तवा में हमने जो चिकन को हमने बनाया ग्रिल पैन में, उसी में हम शर्मा की रोटी को भी हम इसी में कुक करेंगे। अब इसी में हम थोड़ा सा इसको कुक करेंगे, नेवर माइंड इसमें थोड़ा सा ऑयल भी है। अब ये पहली वाली रोटी थोड़ा सा इसमें इसका जो फ्लेवर है इसको ये आ जाएगा, डोंट वरी, इस तरह से होगा, कोई बात नहीं, खाने में भी टेस्ट आ जाएगा। इसे हमें ज़्यादा कुक बिल्कुल नहीं करना है, इसको हार्ड नहीं करना है, हमें सॉफ्ट ही रखना है, कोई बात नहीं। इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा हुआ है, आप अगर शॉप्स में जाएंगे या छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट में जाएंगे तो उसका जो कुकिंग प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी हमारे पास तो उस तरह का कोई किचन टूल्स नहीं है तो हम इसी में यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको बताया कि होममेड शवरमा मैं आपको बताऊंगी। इसमें हम लगाएंगे मेयो, हमें ज़्यादा नहीं लगाना क्योंकि हमने जो अपने वेजिस में उसमें भी हमने ऐड किया है मेयो को। यस, देन विल ऐड दिस वेजिस। इसमें हम काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने मेयो ने ऐड किया है, आप देख सकते हैं। देन अच्छी तरह से इसमें हम चिकन ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसको मिक्स करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन डू लाइक दिस सेम एज मैं कर रही हूँ। यस, आप देख सकते हैं बढ़िया शवरमा रेडी हो गया है, बन के रेडी हो चुका है हमारा होममेड शवरमा, आप देख सकते हैं। आपको मैं अपना एक क्लोज लुक दिखाती हूँ, सी इसके अंदर जो भी मैंने वेजिस ऐड किया है बहुत ही यमी और बहुत ही टेस्टी बनता है, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका जो फीलिंग है आप काफ़ी बढ़िया है। यू कैन ट्राई इट इन योर होम, आप इसको घर पे ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए। इंशाल्लाह अगर आपको कोई दूसरी रेसिपीज़ की कोई अगर क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं, कोशिश करूँगी कि मैं आपको उस रेसिपी आप तक पहुँचाने की। चलिए अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।